आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि निमित्त उपादान। ये बड़ा दार्शनिक विषय है कि निमित्त किसको कहते हैं, उपादान किसको कहते हैं। देखिए, उपादान भीतर होता है और निमित्त बाहर होता है। उपादान का अर्थ होता है कि व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर किस किस तरीके से कर्म करके आया है, उन कर्मों से जो प्राप्ति होती है उसको उपादान कहते हैं। जो संचय करके आया वह उपादान है, और उस उपादान को साकार होने के लिए जो बाहर उसको मिलता है वो निमित्त कहलाता है। तो बाहर वाला निमित्त होता है, उपादान भीतर होता है। और हर व्यक्ति के जो है अपने अलग अलग उपादान होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का चिंतन अलग होता है, विचारधारा का अलग होती है, हर प्राणी की विचारधारा अलग होती है। और जैसे जैसे भाव बीज डालता है उसके अनुसार जो है उसके कर्मों का अर्जन होता है। वही जब बार 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 किसी जन्म के अंदर, खास तौर से देखिए, दूसरे तो प्राणी कितने भाव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में इतना बड़ा विकसित मस्तिष्क और विकसित जो बुद्धि नहीं होती है। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो कि बार बार भाव डाल सकता है, अच्छे डाले या बुरे भाव डाले, वो डालने से पहले स्वतंत्र है, लेकिन अच्छे या बुरे भावों को डालने के बाद के अंदर, उनको हम कॉजेज कहते हैं, वो कॉजेज जो है डालने के बाद के अंदर जो है वो सारा उसका उपादान हो जाता है। और उपादान जो है वो अगले जन्म में जा करके वो भाव कर्म है वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर बदल जाता है, जो कि एक जड़ का रूप होता है। देखिए, भाव एक चेतन का रूप है और अगले जन्म के अंदर उसका जो परिणाम आता है वह जड़ के रूप में हो जाता है, जिसको कि हम जो है द्रव्य कर्म कहते हैं। और ये कर्म कुल 8 तरह के, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा, ये सारे कर्म जो है प्योर मैथमेटिक्स है। इसका एक एक पुद्गल होता है और उसको इस पुद्गल एक एक जो है उसका परमाणु होता है, परमाणु के द्वारा इसका संचय होता है। और ये चतुस्पर्शी होते हैं, इस कारण ये मासलेस पार्टिकल होते हैं विज्ञान की भाषा में। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा के साथ के अंदर जो है कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है उसका कोई वेट नहीं, उसका वजन नहीं है, क्योंकि ये मासलेस पार्टिकल होने के कारण वजन नहीं होता है। लेकिन इसका उपादान पूरा होता है और इसका एक प्योर एथमेटिक है, इसका पूरा नियम है, इसका जो है प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग। जब कभी भी कर्म का बंधन होता है, जब भाव तैयार किया जाता है तो भाव पड़ते ही जो है उसकी प्रकृति बनती है, जो कि अगले जन्म के अंदर। प्रकृति का मतलब 8 कर्म में से कौन सा कर्म, और स्थिति का मतलब ये है कि जह कैसा भाव डाला है कि वो कितने समय तक इस आत्मा के साथ में रहेगा, वो स्थिति बनती है। प्रदेश होते कितने परमाणु होंगे, जो कि जितने समय तक आत्मा में रहेंगे वो परमाणु उसके धीरे धीरे शिथिल होते जाएंगे, नहीं भोगे जाएंगे, और उसके कितने प्रदेश होंगे और कितनी वो जो है वो तीव्रता से परिणाम देता, कैसे भुगताएगा, शरीर को कितना दुख देगा, सुख देगा, वो सारी स्थिति एक साथ होती है। जब भाव किए जाते हैं तो सारी स्थिति बात बनती है, वो उपादान बनता है। उपादान व्यक्ति लेकर के आता है साथ में, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका उपादान साथ में आ जाता है, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जन्म से मृत्यु तक की जो स्थिति होती है वो हमारा जीवन होता है। और हर जीवन में हर व्यक्ति जो है अपनी एक फिल्म लेकर के आता है। हम थिएटर में जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म होती है, जिसके अंदर जो विलियन होता है, जिसके अंदर जो है हीरो होता है, हीरोइन होता है, उसके अंदर प्रेम होता है, विलियन उसके अंदर बाधा डालता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, और बड़ी बड़ी इमोशनल स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम तो क्या देखते हैं, वो तो जड़ चल रहा है और हम तो देखने वाले चेतन है, इसीलिए कि हम उसके साथ जुड़ते नहीं। उसी तरीके से हमारी जीवन की फिल्म चलती रहती है कि जैसा जैसा हम जैसा हम उपादान लेकर के आए हैं उस उपादान के अनुरूप क्या होता है, हमको निमित्त मिलता है। अब देखिए कि इधर से हमारा द्रव्य कर्म का उदय भाव है, या हम गीता की भाषा में बात करें प्रारब्ध है। जो ही किसी कर्म का उपादान का उदय हुआ तो क्या करता है कि हमारी ये सृष्टि है, ये व्यवस्थित शक्ति है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से बनी होती है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बनी होती है, छह द्रव्यों से बनी होती है, रेस्ट है, मोशन है, एनिमेट, इनएनिमेट, इनमैनिएट, टाइम और स्पेस, जिसको विज्ञान भी मानता है, और ये काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति के द्वारा बना हुआ है। ये सारा जो सृष्टि का जो नियम है ये जो है व्यवस्थित शक्ति कहलाता है।